चैनल ब्यूटी विद बनर्जी स्टाइल में आपका स्वागत है। आपकी होस्ट मुक्ता बनर्जी अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। तो आज की वीडियो बहुत अच्छे टॉपिक पे है कि प्रेगनेंसी में स्ट्रेच मार्क से कैसे बचा जाए और अपने पेट की जो स्किन होती है उसको कैसे नर्म, मुलायम और बिना स्ट्रेच के रखा जाए। काफ़ी डीएम्स हमारे पास आ रहे थे, इंस्टा पे भी काफ़ी मैसेजेस आ रहे थे कि मैम हमको कुछ ऐसा सॉल्यूशन बताइए जो कि आसान हो और घर पे हम कर सकें, जिससे कि स्ट्रेच मार्क्स कम हो, मतलब ना हो पाए प्रेगनेंसी में। क्योंकि डिलीवरी के बाद जब देखते हैं तो पेट जो फूलता है या बड़ा होता है, उसके बाद जब वो पिचक जाता है तो वो स्ट्रेच मार्क छोड़ देता है क्योंकि वो सिकुड़ जाता है। तो उससे बचाव के लिए काफ़ी अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स मार्केट में हैं, लेकिन लोगों को ये चाहिए कि आप घर पे कुछ ऐसा बताएं जिससे कि इफेक्ट भी आए, मतलब इफेक्टिव भी हो और हम लोग डेली उसको कर सकें। तो चलिए अपना वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो में इसी टॉपिक पे बात करते हैं कि प्रेगनेंसी होती है तो हम लोग के पेट जो है वो प्रेगनेंसी पीरियड पे बढ़ता रहता है। तो प्रेगनेंसी में जब पेट बड़ा हो जाता है और उसमें खिंचाव होता है और स्ट्रेच मार्क यानी कि लाइनिंग्स आने लगती हैं, पहले से ही आने लगती हैं। और डिलीवरी के बाद जब पेट सिकुड़ जाता है तो वो लाइनिंग्स काफ़ी बड़ी होने लगती है, गहरी होने लगती हैं, जो दाग छोड़ जाती हैं, जो जल्दी नहीं जाता या आप ये कह सकते हैं कि कभी नहीं जाता है। तो आज हम आपको ऐसे कुछ उपाय बताने वाले हैं जिससे आपके प्रेगनेंसी पीरियड अच्छे से निकलेगा, कोई स्ट्रेच मार्क नहीं होगा, खुजली, इवन खुजली भी नहीं होगी। जो हम लोग प्रेगनेंसी में एक वो करते हैं ना, प्रॉब्लम फेस करते हैं कि खुजली होती है और सोते जागते नींद में भी होते हैं और खचर खचर इस तरह से खुजलाने लगते हैं। तो खाली पेट क्या, कभी कोई ऐसे हाथ खुजलाता है, कोई जांघों पे खुजलाता है। सबके थोड़े बहुत सिम्टम्स अलग होते हैं या जगह भी अलग होती है, लेकिन पेट सबका सेम होता है कि नॉर्मली पेट पे जरूर इस तरह की चीज़ें होती हैं। इसीलिए हम लोग की जांघों पे या हाथों पे बच्चे होने के बाद स्ट्रेच मार्क काफ़ी दिखाई देते हैं, गहरे होते हैं और दाग वाले होते हैं, जो कि बुरे और भद्दे लगते हैं। ना तो हम स्लीवलेस पहन सकते हैं, ना तो हम थोड़ा सा जैसे वैसे क्रॉप टॉप होगा वैसा नहीं पहन सकते, लोवेस्ट जीन्स नहीं पहन सकते, क्योंकि इच्छाएं होती हैं पहनने की और शौक होता है पहनने का, लेकिन उसको हम स्ट्रेच मार्क की वजह से पूरा नहीं कर पाते हैं। तो इसके तो मेन बात आती है, इसका सॉल्यूशन क्या है। इसका सॉल्यूशन है आपको प्रेगनेंसी के थर्ड मंथ से ही, जी हाँ बिल्कुल थर्ड मंथ से ही, सुबह शाम, सुबह नहाने के बाद आपको गीले, जब आप नहाने से टॉवल ड्राई करते हैं यानी टॉवल से पोंछते हैं, उसी समय थोड़ा सा ऑर्गेनिक नारियल का तेल, जो जिसको आप ये कह सकते हैं आजकल एक वैसा नारियल का तेल आ रहा है ना, जो बालों में लगाने वाला नहीं होता है, दूसरा होता है, तो उसको आप जो है थोड़ा सा हाथ में लेके अच्छे से पेट पे मालिश या जहाँ पे आपको खुजली लग रही होगी वहाँ पे आप थोड़ा सा गीली स्किन पे अच्छे से मसाज कर लीजिए। रात को सोने से पहले थोड़ा सा तेल लिया और उसमें जरा सा एक चम्मच, आधा चम्मच थोड़ा सा पानी मिला लिया, उसके बाद उससे पेट पे हल्के हाथों से मसाज सोते समय करके आप आरामदायक कोई कपड़ा, जैसे मैक्सी या गाउन है जो बहुत ढीला है, आरामदायक है, स्पेशली जो मैटरनिटी के लिए बना है, उन प्रेग्नेंट वोमेन के लिए बना है, आप उसको कैरी कर सकते हैं। अगर वो नहीं खरीद रहे तो पुराना कोई ऐसा गाउन जो बहुत ढीला हो, ऐसा कोई ड्रेस जो आपकी बहुत ढीली हो, वो आप पहन के सो सकते हैं। इससे आपके दो फायदे होंगे, एक तो खुजली नहीं होगी, और जब खुजली नहीं होगी तो आप खुजलाएंगे नहीं, और खुजलाएंगे नहीं तो थर्ड फायदा ये होगा कि आपके स्ट्रेच मार्क नहीं पड़ेंगे। आप उपाय करके देखेंगे ना तो आपको खुद ही इसके रिजल्ट का वो होगा। पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मुझे कम है, क्योंकि पहली बेटी जब हुई थी, तुली हुई थी, तो मुझे ये सब बताने वाला कोई नहीं था, तो मुझे अंदाज़ा भी नहीं था और मेरे स्ट्रेच मार्क पड़ने लगे थे। लेकिन दूसरी बेटी होने के बाद मुझे डॉक्टर के ही जो नर्स थी, उन्होंने, सिस्टर ने हमको ये उपाय बताया था और मैंने जब इसको किया तो मेरे स्ट्रेच मार्क सेकेंड बेबी में बहुत कम, हल्के आए, क्योंकि जब से करना शुरू किया तो फिर फ़ायदा तब से होने लगा। उसके बाद तो बिल्कुल नहीं आए और थर्ड बच्चे में नहीं आ पाए आया। तो अब तो फिलहाल ऐसा कुछ हो गया, आ गया है कि आप पहले से अगर इस चीज़ को करते हैं, अगर जानकारी होती है तो आपको नहीं आता है। जिनके हल्के फुल्के पड़ रहे हैं अब उनके लिए क्या किया जाए, जिनको अभी बेबी हुआ है पोस्ट प्रेगनेंसी उनको स्ट्रेच मार्क्स पड़ रहे हैं वो क्या करें, बात ये आती है। तो इस बात का सॉल्यूशन है कि बायो ऑयल, अब बायो ऑयल जो है उसको लेके थोड़ा सा नारियल तेल में मिक्स करके, या अगर आप रॉ लेना चाहते हैं मतलब बायो ऑयल ऐसे ही खाली लेना चाहते हैं, उससे आप पेट की मसाज करें। पर डे आप सुबह शाम जब मसाज करेंगे तो धीरे धीरे आपके स्ट्रेच मार्क्स लाइट होते जाएंगे और एक दिन ऐसा आएगा कि एकदम हट जाएंगे। तो इन उपायों से करने से आपको बेनिफिट मिलेगा, आपका स्किन नरिश होगा, क्योंकि नारियल तेल ऑब्वियसली नारियल तेल स्किन को नरिश करता है, और स्ट्रेच मार्क से भी आपको मुक्ति मिलेगी और प्रिवेंट होगा, मतलब प्रिवेंशन भी होगा। तो इस उपायों को करें और अपनी प्रेगनेंसी पीरियड को हैप्पीली स्पेंड करें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पर हिट करिएगा जिससे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। प्रेगनेंसी से रिलेटेड स्किन केयर हो गया, हर चीज़ हम आपसे शेयर करते रहेंगे, प्रोडक्ट्स रिव्यूज़ भी शेयर करेंगे, मेकअप लुक भी आ ही रहा है, आप देखते ही रहेंगे। तो मिलते हैं, तब तक के लिए।